बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। होम मेकिंग बाय रुखसाना में खुश आमदेद। हमारे चैनल पर आपको मिलेगी मज़े मज़े की रेसिपीज, बहुत सी जड़ी बूटियाँ और दरख्त उनके व्यू और उनके बहुत से मुफीद मालूमात उनके बारे में। आज हम बना रहे हैं नरगसी कोफ्ते। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, बीफ कीमा लिया है मैंने, उसको नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया का पाउडर, टमाटर, हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से गला लिया है। बाद में थोड़ा सा एक चम्मच इस तरह का वो घी डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया है। पोटैटोज़ लिए हैं, आलू लिए हैं, उनको बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है। आधा किलो आलू लिए हैं, उनको उबाल लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 3 अदद अंडे, उनको हार्ड अच्छी तरह से यूँ उबाल लिया है। सब्ज़ धनिया चाहिए, नमक, मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया पिसा हुआ और ब्रेड क्रम्स कह लें या डबल रोटी का चूरा कह लें, ये हमें चीज़ें चाहिए। घी चाहिए इन चीज़ों को फ्राई करने के लिए। अब हम सबसे पहले ये करेंगे, अंडों को यूँ इस शेप में इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद इस चीज़ को अलहदा कर देंगे और ये जो जर्दी है इसको इसमें शामिल कर देंगे। आलू देखिए इस तरह से, इस तरह से अब इन आलुओं को अच्छी तरह से यूं साथ ही इन जर्दियों को भी शामिल कर लेंगे। इस तरह से अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा काट देंगे। कुछ हरा धनिया इसमें भी शामिल, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। हस्बे जायका नमक डाल देंगे, जितना आपको पसंद होगा। सुरख मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल लें, खुशक धनिया पिसा हुआ थोड़ा सा डाल दें, हुए अंडे उनमें से जर्दियाँ निकाल कर इसमें शामिल कर ली हैं और आलू हैं उबले हुए, उसमें नमक, मिर्च, खुशक धनिया पिसा हुआ ये चीज़ें शामिल कर ली हैं। अब हम इनके कबाब तैयार करेंगे।
इस तरह से ये यूं इसमें कीमा भर देंगे। अंडे के अंदर कीमा भरने के बाद इसको यूं रख देंगे। आलू लिए हैं, इस तरह से उसके अंदर इस एग को रख देंगे। यूं करके इसको सारे को आलू में अच्छी तरह से लपेट देंगे। इस शेप में, इस तरह से। इसी तरह से आप सारे के सारे ये जो हैं एग्स उनमें कीमा भरें। कीमा भर के उनके ऊपर इस तरह से ये जो पोटैटोज का हमने पेस्ट बनाया है उसको ऊपर से इस तरह से कवर करें। ये देखें इस तरह से ये सारे के सारे हमारे नरगसी कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करना है। एक अंडा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसको फेंट लेंगे और कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने फेंट लिया है, अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा घी गर्म हो जाए। इसी को चीज डाल के चेक करते हैं घी गर्म हो रहा है कि नहीं। अभी ठंडा है। ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अब ये इसको यूं अच्छी तरह से अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद इसको जो ब्रेड का है ना लगाएंगे इसको फ्राई होने के लिए। इस तरह से इसको मुकम्मल तौर पर गोल्डन कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे के सारे जो बाकी नरगसी कोफ्ते हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से नरगसी कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए छुरी लेंगे इसको यहाँ काट लेंगे। देखिए किस कदर खूबसूरत व्यू है इसके अंदर से। कीमा है, एग्स हैं, पोटैटोज हैं और अब हम इसको
टमाटो केचप के साथ मज़े मज़े से इस तरह से करेंगे और यूं करके खाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, नरगसी कोफ्ते बनाएं, होम मेकिंग बाय रुखसाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।